नमस्ते सभी को। तो हम लोग कल स्टेप सिक्स पे चर्चा कर रहे थे और स्टेप सिक्स में हम इस बात की आवश्यकता को देखने का प्रयास कर रहे थे कि मुझे संबंध के चिंतन की आवश्यकता है, व्यवस्था के बोध की आवश्यकता है, सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है। इस बात के लिए हम लोगों ने कल असाइनमेंट भी लिया था कि क्या ये हमें आवश्यकता दिखाई देती है, क्या हम ऐसे क्षणों में जब उलझ जाते हैं, जब हमारा भाव ठीक नहीं बना रहता, तो क्या हम इस बात को देख पाते हैं कि उस क्षण में, उस परिस्थिति में अपने भाव में परिमार्जन के लिए चिंतन पे काम करने की आवश्यकता है, बोध पे काम करने की आवश्यकता है, अनुभव पे काम करने की आवश्यकता है, बजाय इसे कि सिर्फ हम विचार करके उस परिस्थिति से बाहर निकले। क्या हम इस बात को अपने आप में देख पाते हैं कि मुझे स्वयं की जो ज्ञान के आयाम की जो क्रियाएं हैं, चिंतन बोध अनुभव, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। हम ये भी देख पाएंगे कि उस परिस्थिति के पहले भी इसकी आवश्यकता बनी हुई थी, इस परिस्थिति के बाद भी इसकी आवश्यकता बनी हुई है, और चूंकि ये काम पूरा नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थितियां बार बार खड़ी होती रहेंगी। इस बात को अगर हम अपने आप में देख पाए हो या इस पे कोई प्रश्न बने हो तो उसको भी यहाँ रख सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टेप में इस चीज को देखा, और यदि पूरे अभ्यास को एक बार देखें तो अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्टेप वन में हमने अपने कल्पनाशीलता को और उस मुख्य रूप से भाव को जैसा है वैसा उसको देखने का अभ्यास किया, बिना कोई प्रतिक्रिया किए, बिना कोई मूल्यांकन किए, बिना कोई फेरबदल किए, बस जैसा है वैसा देखने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने इस बात को जांचा, मूल्यांकन किया कि जो भाव मेरे अंदर अभी बना हुआ है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, यानी वो मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, यानी दूसरी तरह से कहें तो मैं उसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं, तो मैं उससे बने रहना चाहता हूँ या उससे निकलना चाहता हूँ। फिर तीसरे स्टेप में ये हमने देखा कि उसके साथ मेरी स्थिति क्या है, सुखद है, दुखद है, आराम में है, परेशान है ना। चौथे स्टेप में हमने इस बात को अपने आप से पूछा कि जो भी मेरे अंदर भाव है जिसके साथ मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ, सुखद है या दुखद है, अल्टीमेटली उसका निर्णय कौन ले रहा है। तो कुछ विश्लेषण से ये निकल कर आया कि निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ। एक बार ये दिख जाए तो इसकी हमारे अंदर स्वीकृति बन जाती है कि मेरे भाव विचार का निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ, है ना। तो इससे दो घटनाएं होती हैं, एक तो अगर मेरे भाव विचार में सुख नहीं है, निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, तो मुझे अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए काम करना है, ये मेरे लिए गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एंड आउटकम तो वही है मेरा सुख, और वही सुनिश्चित नहीं हो रहा और मेरी ही अयोग्यता काम कर रही है वहां पे, इसी कारण नहीं हो रहा है, तो हम इसके प्रति एक गंभीर हो जाते हैं। अभी हमारा जो ध्यान बाहर फैला हुआ रहता है, बाहर की चीजों को ठीक करने में, हमें लगता है कि बाहर की ये ठीक हो जाए ये तो ठीक है, परंतु भीतर ठीक हो जाए तभी मैं सुखी हो पाऊंगा। तो इस जिम्मेदारी को हम स्वीकार पाते हैं, उसके साथ हम दूसरों के प्रति शिकायत से मुक्त हो पाते हैं। ये स्टेप फोर में हम लोगों ने सुनिश्चित किया। स्टेप फाइव में फिर हम ये देख रहे हैं कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता। तो लगता है कि यदि मान्यता आधार में होती है तो मेरे भाव की निश्चितता नहीं रहती, निरंतरता नहीं रहती। समझ के आधार पर कोई भाव होता है, जितनी देर तक वह भाव बना रहता है उसको मुझे सुख मिलता है। तो ये हम लोगों ने देखा स्टेप फाइव में। तो फिर हम लोगों ने ये भी अभ्यास किया कि क्या मान्यताएं हैं, है ना, जो मेरे भाव के बिगड़ने के लिए जिम्मेदार हो जाती है, उनको थोड़ा देखें, समझें। तो ये भी हम लोगों ने अपने आप में अभ्यास किया, क्योंकि दिखता है कि भाव के आधार में मेरी मान्यता है, मेरा संस्कार है। तो अपने संस्कारों को, अपनी मान्यताओं को हम लोगों ने टटोलने का, पहचानने का अभ्यास किया। उसकी एक सूची बनाने की भी बात थी, वो हम बनाते चले। तो एक तो अपने भाव के प्रति हर क्षण हम सजग रहे, दूसरा भाव के आधार में जो मान्यता काम कर रही है, संस्कार काम कर रहा है, उसको भी देखते चले। वो हो सकता है उस क्षण में ना दिखाई दे, अगले दिन जब आप, है ना, उस पर विश्लेषण कर रहे हैं तो दिखाई दे, रात को सोते समय दिखाई दे, सुबह उठते समय दिखाई दे। तो अगर ये हमको लगे कि एक गहरा काम है तो हम उसको गंभीरता से करते हैं, क्योंकि तो बीज रूप में वो काम करता रहता है, और भाव रूप में फिर वो अंकुरित होता रहता है, फिर विचार रूप में फैलता रहता है, ना? ऐसा चलता रहता है। तो उस पर अपने को गंभीरता से काम करना है। फिर क्या काम करना है उसको अगर तय करने गया, तो स्टेप सिक्स में हमने अपने आप से पूछा कि मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहस्तित्व का या संघर्ष का।
तो निर्णय निकलता है कि संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का भाव सहज रूप से स्वीकार होता है। इसको भी हम लोगों ने एक अभ्यास किया कि ग्रॉस लेवल पे तो हम कह देते हैं, मोटा मोटी ऊपर ऊपर कहते हैं, हाँ हाँ संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, परंतु तो जिस क्षण में हमारा भाव बिगड़ रहा है उस क्षण में कौन सा भाव स्वीकार हो रहा है सहज रूप से, उसको देखने की बात थी। तो जिस तरह से हम अपनी मान्यताओं को देखने का अभ्यास कर रहे थे बारीकी से रुक कर, है ना, वैसे ही इसको भी देखना है कुछ क्षण में मुझे उसकी आवश्यकता दिखती कि नहीं। तो स्टेप 6B में हम लोगों ने इस बात पे अभ्यास किया कि अगर संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व को समझने की आवश्यकता है, यानी मुझे उसके चिंतन की आवश्यकता है, उसके बोध की आवश्यकता है ना, संबंध के चिंतन की, व्यवस्था के बोध की, सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को पहचानने का काम हमने स्टेप 6B में किया। तो गृह कार्य ये था कि देखें क्या मेरे अंदर हर मनुष्य के प्रति हर क्षण संबंध का भाव बना रहता है, देखें कि जब मेरे अंदर संबंध का भाव रहता है तो बाहर की घटनाओं का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कोई गलत व्यवहार कर दे, ये हम लोगों ने कल असाइनमेंट में भी लिया था, मेरा किस प्रकार का विचार रहता है, मेरा कैसा व्यवहार रहता है, हर एक के प्रति संबंध के भाव के साथ देखने का प्रयास करना है, देखें कि मेरे अंदर क्या हर क्षण व्यवस्था का भाव बना रहता है, देखें कि जब मेरे अंदर व्यवस्था का भाव बना रहा है तो बाहर घटनाओं का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मौसम बिगड़ जाए, तो मेरे अंदर व्यवस्था के भाव को देखने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है। फिर वैसे ही देखें क्या मेरे अंदर हर क्षण सहअस्तित्व का भाव बना रहता है, देखें कि जब मेरे अंदर सहअस्तित्व का भाव रहता है तो बाहर की घटनाओं का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर अपने अंदर सहअस्तित्व के भाव को देखने का प्रयास करना है। ये देखें तो है ना एक लंबा चौड़ा काम है कि अब इसमें से हम स्टेप वाइज भी इसको हम कर सकते हैं, संबंध को ही ले ले, है ना, जहाँ व्यवस्था की बात है तो वहां व्यवस्था को ले ले, सभी को एक साथ लेके चलना चाहेंगे तो उसपे कुछ ज्यादा स्पष्टता भी शायद ना बने, परंतु ये करने योग्य काम है जी। इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं नमस्ते भैया। जी। नमस्ते भैया, जो हम स्टेप 6 में जो कर रहे हैं कि संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व के भाव को देख रहे हैं कि वो है या नहीं है, संबंध का है या विरोध का है, व्यवस्था या व्यवस्था, दृष्टापथ से आपको देखना है। और ये अगर आप संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव या सहस्तित्व के भाव को देख रहे हैं तो ये प्रोसेस उल्टा हो गया, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे कि स्टेप 6 में जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग मैं सही ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ, इसमें देखें बेसिकली इसमें जो आखिरी है ना सी पार्ट, वो थोड़ा एक्सटेंशन है जो स्टेप 7 में भी जाएगा। तो स्टेप 6 में तो हम ये कह रहे हैं कि क्या मुझे संबंध के चिंतन की, व्यवस्था के बोध की, सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता दिखाई देती है कि नहीं, इतना स्टेप 6 में अपने को देखना है। सुनिश्चित करने वाले काम को हम स्टेप 7 में करेंगे। तो ये थोड़ा कनेक्ट किया गया 6 और 7 के, बट इसमें हम आवश्यकता को ही पहचानने का काम कर रहे हैं स्टेप 6 में। जी। तो जो कल हम लोगों ने असाइनमेंट भी लिया था कि जिस क्षण में हम उलझे हुए हैं कहीं पर अपने अंदर या किसी संबंध के निर्वाह में, है ना, या शरीर के रख रखाव में, या किसी अन्य भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ निर्वाह में, उस क्षण में हम देखें कि उस क्षण में मुझे क्या भाव स्वीकार होता है, और यदि स्वीकार होता है तो क्या मुझे उसको समझने की आवश्यकता दिखती है कि नहीं। स्टेप 6A में हमने देखा कि मुझे संबंध का स्वीकार होता है विरोध का, जिस क्षण में उलझे हुए हैं। फिर उसके आगे 6B में कहा कि क्या मुझे इसकी चिंतन की आवश्यकता स्पष्ट होती है उस क्षण में, ओवरऑल तो हम कह पाते हैं। तो आप कई बार पाएंगे कि हो सकता है उस क्षण में हमें उसकी आवश्यकता स्पष्ट नहीं होती, हम तो लगता है बस इस क्षण में किसी तरह से अपने दुख से बाहर निकलना है, अगले को निपटाना है, सो ऑन। तो मुझे उस समय ज्ञान से समाधान होता हुआ नहीं दिखाई देता, मैं समाधान के लिए कोई उपाय कर रहा होता हूँ, इसलिए उसको रुक कर देखने की बात की। फिर 7 में हम जाकर उसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो दृष्टा पद में स्थापित होने का मतलब तो ये हुआ कि मेरे अंदर ये भाव सुनिश्चित हो गया है, अगर मैं स्थापित हुआ हूँ। दृष्टा पद से देखने का जो प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो उसमें तो फिर हम अपनी सह स्वीकृति को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, स्थापित हो गए हैं ऐसा नहीं। मुझे जो क्लियर हुआ है मैं रख देता हूँ कि संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व की आवश्यकता या प्रायोरिटी जीवन में है या नहीं है, ये हम भाव, हर भाव के साथ अभी जीवन में ना जाए, उसके चिंतन की आवश्यकता उस क्षण में मुझे स्पष्ट हो रही है कि नहीं, ये देखना है।
हाँ ठीक है भैया, तो ये 6 स्टेप में यही काम करना है, और ये अगर ऐसा हो रहा है कि इसकी आवश्यकता लग रही है, चिंतन में आ रही है कि इसमें चिंतन की आवश्यकता है, तो बस 6 स्टेप का काम यही है। लेकिन दृष्टापद से जो देखने वाली बात है, या इसको स्थापित होने वाली बात है, या सुनिश्चित होने वाली बात है, तो वो जो है 7 स्टेप के बाद क्लियर हो पाएगा। 7th में करेंगे उसको। हाँ, जब हम ये सुनिश्चित कर रहे हाँ लेकिन भैया फिर इसमें उल्टा कैसे हुआ है? बात तो वही जा रही है ना कि हम भाव में, संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव और सह अस्तित्व का चिंतन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो तो हम हर पल देखेंगे। उल्टा ऐसे हो गया कि अभी हम स्थित है ब्लॉक B2 में, ब्लॉक B1 एक्टिव हुआ नहीं है, तो संबंध का भाव स्थापित तो हुआ नहीं है, व्यवस्था का भाव स्थापित तो हुआ नहीं है, तो दृष्टा पद में स्थापित होने वाली बात है वो हुआ नहीं है, तो अभी हम नीचे से खड़े हैं ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता भी दिख रही है नहीं, क्या हम नीचे ही देखकर अपना काम चलाने में लगे हुए? वही लेकिन भैया जहां हम स्थित हैं वहीं से तो देख पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी हम उसको पहचान लेते कि हम कहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं नीचे मान ले रहे हैं ऊपर, तो गड़बड़ है। तो भैया ये दृष्टा पद में स्थापित कैसे हुआ जाए, इसका क्या स्टेप होगा? यही पहले तो उसकी आवश्यकता दिखी, इसलिए कह रहे हैं कि ओवरऑल तो हम कह ही देते हैं हाँ हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, व्यवस्था पूर्वक जीना चाहते हैं, बस जिस क्षण में हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, भाव बिगड़ रहा है ना, हम अपने आप में दुखी परेशान हो रहे हैं, उस क्षण में भी क्या इसकी आवश्यकता दिखती है कि नहीं? जो कई बार हाँ एक उदाहरण हम ठीक लोग लेते हैं, जो मतलब इसका एक सांकेतिक उदाहरण है कि कोई किसी ने कहा कि भाई हमें ईश्वर को देखना है, सांकेतिक उदाहरण में कह रहा हूँ आपसे, है ना, अब उसके हम लोग बहुत उसके शब्द के अर्थ में भी नहीं जाएंगे, जी, तो किसी ने कहा कि चलो दिखाते हैं, तो उसको पानी में डुबो दिया, है ना, अब बोला कि क्या तुमको ईश्वर की देखने की इच्छा हुई? उसने कहा मैं तो जान बचाने में लगा था, आप कह रहे ईश्वर को देखने की इच्छा, तो यानी कि जब हम फंसे होते हैं किसी परिस्थिति में तो हमारी इच्छा नहीं रहती है, हमारी इच्छा बदल जाती है, तो हमारी जी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है, तो होता यही है ना कि प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है, तो कई बार एक जो कॉमिकली उदाहरण बताते हैं ना कि एक व्यक्ति को कमरे से निकलना था, है ना, और उसका आंख बंद हो गया था, और जैसे ही दरवाजे पहुंचे तो उसको छींक आ जाए तो दरवाजा हर बार स्किप हो जाए, तो कुछ वैसी बात होती है कि जैसे ही हम किस परिस्थिति में फंसते हैं तो हमको छींक आ जाती है, छींक आने का मतलब कि हमको लगता है अभी तो किसी तरह से उपाय बनाओ, निकलो यहाँ से, है ना, चिंतन बोध सब होता रहेगा, बहुत जिंदगी पड़ा है उसके लिए, अगली शरीर यात्रा में भी काम हो सकता है, इसी शरीर यात्रा में सब कुछ कर ले जाए, किसकी क्या जरूरत है ना, या थके हैं हारे हैं, जो कल हमने एक और असाइनमेंट लिया था कि लीजर टाइम है अपने पास, है ना, 2 घंटे का समय मिल गया है, संडे का दिन है, सैटरडे का दिन है, या शाम का समय है, अब क्या करें, तो बोलते अरे भाई अभी तो जरा मनोरंजन किया जाए, ठीक थोड़ा सा हंसा बोला जाए और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, कि क्या हम फिर से लग जाए उसी के ऊपर, तो होता यह है कि जब भी हम समस्या में होते हैं तो हम विचार में कहते हैं कि हाँ समझना जरूरी है, देखो इतना दुख भोग रहे हैं इसे निकलना जरूरी है, बट सुखी होने की आवश्यकता बहुत ठीक से स्पष्ट नहीं हुई है, सुखी होने मतलब चिंतन बोध अनुभव से सुखी होने की आवश्यकता, तो जब समस्या में है तो कहते हैं निकलना है इससे, उसके लिए बहुत सारा परंपरा में कथा कहानी भी बनाया गया है ना, कि जब आदमी समस्या में होता है तो याद करता है, पर जैसी समस्या से निकलता है कहता अरे ठीक है फिर कभी कर लेंगे इसको तो होता यह है कि जब हम किसी समस्या में होते हैं, परेशान होते हैं, तब तो हमको लगता है कि हाँ ये सब कर लेना ठीक है, समझना जरूरी है, बट जैसी अनुकूलता बनती है, वातावरण की अनुकूलता बनती है ना, संवेदना की अनुकूलता बनती है, तो हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट होती है, ठीक है किया जाएगा, कौन सा जरूरी है किसी क्षण किया जाए, किसी सर यात्रा में किया जाए, तो वो प्रायोरिटी का मतलब है कि हमारे अंदर वो प्रायोरिटी बनी है कि नहीं, अगर नहीं बनी है तो हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, तो यानी कि हमको अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि सुख की निरंतरता तो ज्ञान से है, बेसिकली इसलिए कई बार बात होती है ना कि हम सुख की आशा में जीते हैं, हमारे अंदर सुख की इच्छा भी नहीं बन पाती अभी, आशा मतलब कहीं बाहर से कुछ मिलके सुखी हो जाए, तात्कालिक रूप से राहत मिल जाए, आराम मिल जाए, है ना, कुछ करके सुखी हो जाए, तो अभी हम आशा में जीते हैं, फंसते हैं तो विचार करते हैं, ऊपर मान्यताएं काम कर रही होती है इच्छा में, सुखी होने की इच्छा अभी हमारे अंदर ठीक से निर्मित ही नहीं होती, सुखी होने की इच्छा का मतलब ये हुआ कि मैं सुख को ठीक ठीक स्वयं में देखने के लिए प्रवृत्त होता हूँ कि हाँ ये देखना है समझना है, क्योंकि इच्छा से ही गति है, चित्रण और चिंतन दोनों इच्छा में है,
तो सुखी होने की इच्छा बनेगी तो चिंतन के लिए काम करेंगे, तो सुखी होने की आशा तो बनी रहती है हमारे अंदर, है ना, वो तो जीव चेतना में बनी रहती है। फिर हम थोड़ा जब उसको भोगते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसे विचार करते हैं, तो हम दुख से निकलने का विचार करते हैं, सुखी होने का विचार बहुत ठीक से कर भी नहीं पाते। कभी कभी सुखी होने का विचार करते हैं, बट सुखी होने की इच्छा है ना, उसमें जाने में हमको समय लगता है। कई बार जाते भी हैं तो उसको मान्यताओं के आधार पर फैलाते हैं और फिर वो आशा में चला जाता है, यहाँ इतना कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बढ़िया जॉब मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, है ना, स्पाउस मिल जाएगा, अच्छे रहने का व्यवस्था हो जाएगा, तो सुखी हो जाएंगे। फिर कुछ बाहर से पाकर फिर वो इच्छा तक पहुंचे नहीं थे कि मान्यता और संवेदना के दबाव फिर आशा में लौटा है। सही कह रहा हूँ जी भैया, लेकिन ये तो मैं देख पा रहा हूँ भैया कि प्रायोरिटी में चिंतन में यही हो रहा है, और इसका मैं एक कल का अनुभव ही है कि जैसे घूमने के प्रोग्राम जो पहले भी बन रहे थे तो उसी के साथ प्रोग्राम बनता है, लेकिन अब वहाँ कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, तो एक उदासीनता भी आती है, या लोगों के जिनके साथ पहले जैसे उनके साथ घूम रहे हैं उस तरह की बातें भी कर रहे हैं जो कि जिनकी कोई जिससे कोई उपलब्धि नहीं है, तो उनकी तरफ से भी फिर इस तरह का आता है कि ये सब करने के बाद तो और उदासीनता आ गई ये सब चीजें करने के बाद, तो लेकिन वहाँ यानी कि अभी भी आप निर्णय तो ले ही रहे ना वो सब चीजों के लिए, अब जाकर वहां मूल्यांकन कर रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अगर और गति बनेगी तो बैठे बैठे मूल्यांकन कर लेंगे। इनफैक्ट जैसे संवेदना से मिलने वाला सुख है, ठीक, कई बार पहले स्थिति ये थी बेहोशी में कि हम उसके लिए बहुत योजना कार्यक्रम बनाते थे, उसको पूरा करते थे, ठीक, और पूरा हुआ तो एक्साइटेड होते थे, नहीं पूरा हुआ तो डिप्रेस होते थे। अब ये होता है कि अभी भी हम निर्णय तो लेते हैं उसके पक्ष में, बट हमारा होश बना रहता है थोड़ा, तो हम उससे उतने प्रभावित नहीं होते, तो एक उदासीनता की स्थिति आती है। एक और आगे की स्थिति आती है कि हम बैठे बैठे देख लेते हैं कि हाँ एक सूचना आई शरीर से मैं को, ठीक, मैंने कोई इसको अर्थ दिया है, उस अर्थ से मैं प्रभावित हुआ हूँ, और प्रभाव थोड़े समय तक बना रहा फिर प्रभाव गिर गया। इसको तो आप विधिवत करके देखिए, तो उससे तो है ना एक बार ये तैयारी अपने अंदर हो जाए तो जो बहुत सारा संवेदना से सुखी होने का अपने अंदर आशा बना रहता है वो मूल्यांकित होने लगता है बैठे बैठे, कि भाई सूचना आई मैंने उसको अर्थ दिया, ठीक, वो अर्थ थोड़े समय तक बना रहा, उसके बाद वो असहनीय भी हो गया अर्थ, मतलब अर्थ में भी जो सुख भोग रहा था मैं वो असहनीय हो गया, उसको रोकना पड़ा फिर, है ना, फिर चला गया, गिर गया। उपलब्धि क्या हुई, मैं में क्या उपलब्धि हुई, शरीर में क्या उपलब्धि हुई, उसका भी आकलन कर लेते हैं। तो ये अभी है ना एक स्थिति की बेहोशी में थे, एक है कि अब उससे हम गुजर रहे हैं बट होश पूर्वक गुजर रहे हैं। तीसरी स्थिति ये बनती है कि गुजरने से पहले हमको होश है कि गुजर के अभी क्या उपलब्धि है इसमें। ठीक है भैया, ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया, थैंक यू भैया, है ना। तो अभी हमको स्टेप सिक्स में तो ये देखना है कि मुझे संबंध के चिंतन की व्यवस्था के बोध की सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है, इस बात पे हम सकल हो पाते हैं। स्टेप सिक्स ए में हमने देखा कि हमें संबंध संगीत अथवा व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही सहज स्वीकार होता है, इसलिए अब सेवन ए में हम सुनिश्चित करते हैं कि मुझमें इस क्षण संबंध का भाव है न कि विरोध का। तो आप देख सकते हैं कैसे हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं, पहले संबंध का भाव सहज स्वीकार है या नहीं उसको सेटल किया, अगर स्वीकार है तो उसके चिंतन की आवश्यकता है इसको सेटल किया, अब उसके चिंतन के लिए काम कर रहे हैं, अब उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। अब सुनिश्चित कैसे होगा, तो उसमें भी चिंतन मेरे निर्णय से हो जाएगा ऐसा नहीं है, परंतु कम से कम हम कल्पनाशीलता में तो उसको स्थापित करेंगे, उसको फैलाएंगे, है ना, कि ये जो सारा चल रहा है कल्पनाशीलता में संबंध का चल रहा है विरोध का चल रहा है, तो इसको हम देखेंगे, तो इससे आगे और जाएंगे तो चिंतन पे काम करेंगे, तो इसका दिख ही जाए, पूरा दिख जाए, तो हमें संबंध का भाव का चिंतन हो जाए, उससे पहले उसकी तैयारी हो जाए। तो अभी तक हम इसमें सेटल नहीं थे, सुनते थे, कहने में सुनने में अच्छा भी लगता था, बट अब ये जो बारीकी से देखना शुरू किया है ना, तब उसके और हम तह तक पहुंच पा रहे हैं, तो इससे हमारी तैयारी तत्परता निष्ठा और बढ़ गई जो हमने 1-6 में काम किया। तो अब हमें सुनिश्चित करना है 7A में कि मुझमें संबंध का भाव है न कि विरोध का, संगीत अथवा व्यवस्था का भाव है न कि अंतर विरोध का अव्यवस्था का, सहस्तित्व का भाव है न कि संघर्ष का। तो यदि मैं इस क्षण इन सहज भावों को सुनिश्चित कर पाता हूँ तो मैं इस क्षण संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। उसी प्रकार यदि हर क्षण मैं सुनिश्चित कर पाता हूँ इन सहज भावों को
मैं हर क्षण संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। तो अब इसमें और आगे बढ़े, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो स्टेप वन, उसके बाद 2, 3, 4, है ना, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं थोड़ी तैयारी के साथ। फिर 5 में गहरा काम है मान्यताओं को देखने का, संस्कारों को देखने का। फिर 6 में वहां देखकर अपनी सहज स्वीकृति को पहचानने का और ज्ञान को सुनिश्चित करने के, है ना, आवश्यकता को देखने का, कि ज्ञान से ही ये पूरा होगा। ठीक, अब 7 में उसको पूरा कर रहे हैं। तो अब ज्ञान के आयाम में, ब्लॉक B1 में तो एकदम से काम होगा नहीं, तो उसके लिए फिर नीचे से तैयारी कर रहे हैं। तो संबंध का ही हम, है ना, विश्लेषण कर रहे हैं, संबंध के अर्थ में तुलन कर रहे हैं, संबंध का चित्रण कर रहे हैं, अपने आप को फैला रहे हैं कि इस क्षण में यदि इस व्यक्ति के साथ संबंध के ही भाव स्वीकार होता है और इसके चिंतन की आवश्यकता है तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसको मैं चित्रण फैलाता हूँ। इस संबंध, इस व्यक्ति के साथ इस क्षण में संबंध के भाव का चिंतन का अर्थ क्या हुआ, क्या होगा अगर मैं संबंध का भाव रखूंगा, तो उसको चित्रण फैलाता हूँ मैं। फिर उससे आगे मैं बढ़ता हूँ कि इसको मैं एज इट इज देखने का अभ्यास करता हूँ, वैसी व्यवस्था को, वैसी सहस्तित्व को। अब एक एक क्षण से शुरू करेंगे, फिर प्रयास करेंगे हर क्षण हो जाए। अब ये भी एक बड़ा जंप है हर क्षण होना, है ना। तो हम लोग इस अभ्यास को तो हो सकता है एक समय में पूरा कर लें, परंतु हो सकता है हम इन 1 to 7 में अभी किसी एक स्टेप पे ही रुके हुए हैं। हो सकता है स्टेप 1 पे ही अभी रुके हुए, भाव ही नहीं दिख रहा हमको ठीक से, देखने जा रहे हैं सब ब्लैंक लग रहा है, पता नहीं चला कोई भाव है भी कि नहीं। तो कभी किसी क्षण में, है ना, आपको भाव दिखता है, कभी नहीं दिखता। स्थिति को आप पहचान लेते हैं, सुखद है कि दुखद है, उतना तो अपने को कई बार पता सीधे सीधे लगता है कि मैं आराम में नहीं हूँ, है ना, बैठा हूँ अपने आप में, आराम में नहीं हूँ, वो तो पता लग जाता है। क्या भाव चल रहा है, सहज स्वीकार है कि नहीं, तो भाव ही नहीं दिख रहा, तो भाव सहज स्वीकार है कि नहीं वो पता नहीं लगता। उसको भी देख पाते हैं कि हाँ आराम में नहीं हूँ, है ना, और ये बात हमने पहले विश्लेषण से स्वीकार लिया है कि निर्णय मेरा है, परंतु उसके आधार में मान्यता क्या है वो दिखता नहीं है, संस्कार क्या है वो दिखता नहीं है, तो फिर आगे काम भी रुक जाता है। तो अभी कुछ ऐसा चलता रहता है। तो मेरी स्थिति सुखद है कि दुखद है, ये तो हम, है ना, कई बार आते जाते, बैठते उठते, सोते जागते तो पहचान लेते हैं, पर अभी स्टेप 1 का काम ही शेष रहता है, किस भाव के कारण ऐसी स्थिति है मेरी, वो सहज स्वीकार है कि नहीं। तो कई बार होगा कि किसी बीच के एक स्टेप से आप एक्टिव हुए, कई बार हुआ कि आप प्रयास पूर्वक बैठने गए तो स्टेप 1 से शुरू किया, उसको एक अभ्यास बनाया तो स्टेप 1 से शुरू किया, है ना। बट रोजमर्रा में आप कहीं किसी बीच से स्टेप से शुरू हो गए, वो एक्सप्रेशन को देखा वहीं से शुरू हो गए, तो ये सब हो सकता है। तो अगर हमको जी एक प्रश्न है, शब्द का अर्थ होना ही चिंतन है, हर शब्द का अर्थ तो होता ही है, अर्थ को भी देखें तो अर्थ का जो मीनिंग है वो भागीदारी ही है। तो मुझे वस्तु का अर्थ दिख जाए, भागीदारी दिख जाए, ये चिंतन है। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया, अभी आपने बात बोली कि हम जब अभ्यास प्रक्रिया को देखते हैं तो किसी भी स्टेप से स्टार्ट हो जाते हैं, तो सही प्रोसेस क्या है, स्टेप 1 से फॉलो करते हुए स्टेप 7 तक आए, या जैसा भी हमारे सामने व्यवहार हुआ है या हम जिस भी स्टेट में हैं वहां से ही कैच करके आगे बढ़ जाए, तो सही प्रोसेस क्या होगा? देखिए, इसमें तो बिल्कुल बेहोशी की स्थिति है कि किसी स्टेप पे एक्टिव नहीं हुए, उससे बेहतर स्थिति कम से कम कुछ तो पकड़ में आया, ठीक है, फिर वहां जहां से भी पकड़ में आया फिर स्टेप 1 से शुरू कर देंगे। तो जैसे हमको बैठे बैठे यही लगा कि दुखद स्थिति है, सुख में नहीं हूँ, तो फिर देखना शुरू करेंगे मेरा कौन सा भाव है जिसके साथ में सुख में नहीं, वहां स्टेप 1 से फिर शुरू करेंगे। मैंने कहा कई बार हमें स्टेप 3 पे तो पता लग जाता है, और आमतौर पर पता लगता रहेगा आपको, है ना, कि सुखद है कि दुखद है, एक्साइटेड है कि डिप्रेस्ड है, ये पता लगता रहेगा, बट भाव हमको पता नहीं लगता। तो जब भी होश आएगा कि देखो मुझे अपने आप को देखना है, स्टेप 1 से फिर शुरू करेंगे कि नहीं, मतलब कि जब हम लोग थोड़ा सा आराम की स्थिति में है और जब सोच रहे हैं तो हमेशा बेहतर है कि स्टेप 1 से लेकर के 7 तक जाएं। और दूसरी स्थिति है कि अगर किसी व्यवहार में है या कहीं पर असहज हो रहे हैं, वहीं पकड़ में आ गया कि असहज क्यों हो रहे हैं, कि मेरी मान्यता है, अगर वहीं से तो वहीं से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे एक्सप्रेशन में आ गया, हमको लगा देखो फिर वो मान्यता काम कर गई, पहले मान्यता पता लगी,
तो कोई मान्यता काम कर गई, मैं इरिटेट हो गया किसी के ऊपर, देखो कोई मान्यता काम कर गई है ना, ये तो एक्सप्रेशन में जो गया वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरे अंदर कोई मान्यता काम कर रही है, तो फिर हम स्टेप वन से शुरू कर देंगे। मतलब प्रोसेस यही है कि स्टेप वन से ही बेटर होगा कि स्टार्ट किया जाए हमेशा। जी जी ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। उससे एक निश्चित गति दिखाई देगी अपने में। तो अभी ऐसा करते हैं 10 मिनट हम लोग अपने आप में ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। तो हमें इस क्षण में सुनिश्चित करना है कि मेरे अंदर संबंध का भाव हो। शुरुआत करेंगे स्टेप वन से ही। तो अभी 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
जी बढ़िया। तो हमें अब सुनिश्चित करना है कि मेरे अंदर संबंध का भाव ही हो, विरोध का भाव ना हो, व्यवस्था का भाव ही हो, अव्यवस्था का भाव ना हो। तो बेसिकली जिसको अभी कृष्ण जी कह रहे थे, तो दृष्टा पद में स्थापित होने का काम अभी कर रहे हैं। दृष्टा भाव हमारे अंदर बना हुआ था, या एक तरह से कहें दृष्टा के रूप में देखने का प्रयास कर रहे थे। पद में स्थापित हो पाते हैं जब यहाँ हम चिंतन में स्थापित होते हैं, बोध में स्थापित होते हैं, अनुभव में स्थापित होते हैं। तो अभी हम उस काम को कर रहे हैं, है ना, यानी ब्लॉक B1 को हम एक्टिव कर रहे हैं। बट उसके लिए जो पूरी तैयारी करनी थी स्टेप 1 to 6 में हमने की, और उसके साथ अब हम 7 में काम कर रहे हैं। तो इसको जब आप सुनिश्चित करने जाएंगे तो फिर हो सकता है हम विचार में चले जाएं, है ना, और वो फिर हमको हो सकता है कुछ आरोपित करने लगे अपने ऊपर। तो सुनिश्चित करने का मतलब नहीं कि मुझे आरोपित करना है, स्टेप 1 to 6 को पूरा करते हुए, आवश्यकता को पहचानते हुए, चिंतन की आवश्यकता को क्षण क्षण में देखते हुए ध्यान देना है, सुनिश्चित करने का ये मतलब हुआ। उसके जो तैयारी करनी है ब्लॉक B2 में करेंगे, स्टेप 1 to 6 को पूरा करते हुए, अपने निर्णय को स्वीकारते हुए, मान्यता यानी संस्कार को देखते हुए, चिंतन बोध की आवश्यकता को पहचानते हुए, उसको ध्यान देंगे, ये कहा जा रहा है। उसके साथ कल्पनाशीलता में तैयारी भी चलती रहेगी। तो ये और थोड़ा आगे काम हो गया, है ना, इसलिए थोड़ा आपको ठीक से ध्यान देना होगा, अलग से समय भी निकालना होगा, और एक बार वो अभ्यास में आ जाए तो फिर वो चलते फिरते काम करते भी इसको हम कर सकते हैं। जब मैं स्टेप 6B में संबंध, व्यवस्था और संस्तित्व को समझ पाता हूँ, तो स्टेप 7B में मैं सही भाव, संबंध, व्यवस्था और संस्तित्व के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ। मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। मैं यह भी देख पाता हूँ कि जब मैं संबंध, संगीत और सहस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ, तो मैं अपने सही समझ के आधार पर सही भाव का निर्णय ले पाता हूँ। इस क्षण, अगले क्षण, हर क्षण मैं निरंतर सुखी रहता हूँ। तो मुझे अपने विकास के लिए संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व की समझ एवं इसी का भाव विचार स्वयं में सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा करके ही मैं स्वयं सुखी रह पाता हूँ, दूसरों के सुख का स्रोत बन पाता हूँ। तो अब ये काम करना है अपने को, है ना, 1 to 6 को पूरा करते हुए 7 पे काम करते रहना है। तो इसको अपने आप को सुनिश्चित करना है, अपने आप में काम करते रहना है। तो अभी आगे काम है जो अपने को बनाए रखना है। हम लोग लेक्चर 10 और 11 में फिर लौट कर एक बार इसके रिव्यू करेंगे ब्रीफली। बट यदि UHV 3 में देखें तो एक मुख्य काम तो ये है कि सेल्फ की एक्टिविटी से हमारा परिचय हो जाए, ये मुझ में ये क्रियाएं हैं, है ना, इन क्रियाओं का पोटेंशियल है, ये हमें दिख जाए, इसकी पूरी संभावना है, इसकी दिख जाए। फिर उसको कैसे जागृत करना है इसकी विधि मिल जाए। फिर आगे इसको करते रहेंगे, लगे रहेंगे, पूरा करते रहेंगे। और जो बार बार बात हो रही है कि एक तरफ तो हम अपने अंदर चिंतन, बोध, अनुभव को जागृत करने के लिए अभ्यास करेंगे, जैसे स्टेप इसमें अभ्यास 1 में किया, दूसरी तरफ हम उसको परस्परता में जी कर भी देखेंगे, है ना, समाज में भागीदारी करते हैं, प्रकृति में भागीदारी करते हैं, सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा तक जाने के क्रम में। तो ये दोनों काम करेंगे। इनफैक्ट भागीदारी वाले भाग को जैसे ही छोड़ते हैं हम विचार में लग जाते हैं, ठीक है, बैठे बैठे अपने आप को हमको लगता है सब कुछ समझ में आ गया है, बट जब जीने जाते हैं तो नए नए शंकाएं, नए नए प्रश्न खड़े होते हैं, नई नई परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों से गुजरते हुए हम अपनी मान्यताओं को और ठीक से आकलन कर पाते हैं, अपने संस्कारों से हमारा ठीक से और परिचय हो पाता है। तो आप पाएंगे कि एक तरफ हम भागीदारी तो कर रहे होते हैं, धीरे धीरे हम उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकारने लगते हैं। तो एक स्थिति से सिर्फ विचार कर रहे हैं, है ना, फिर प्रस्ताव मिला, प्रस्ताव पे ध्यान दिया, उसको स्वयं में चित्रित किया, उसको जांचना शुरू किया, फिर उसके साथ हमने भागीदारी शुरू की। अब भागीदारी बढ़ाई तो स्वयं में और ज्ञान की आवश्यकता स्पष्ट हुई, उसके लिए और काम किया। जब ज्ञान के लिए जो भी हमने किया ब्लॉक B2 में किया या ब्लॉक B1 में किया, उसके साथ हमारी योग्यता और बढ़ी तो अपनी भागीदारी और बढ़ाई। फिर एक पॉइंट पर जाकर हम जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं, है ना, ये मेरी जिम्मेदारी, जैसे हम परिवार की जिम्मेदारी स्वीकारे हुए रहते हैं कि इस परिवार में सुविधा की पूर्ति की जिम्मेदारी मेरी है, इस परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। तो जैसी भी परिस्थिति हो मुझे इसको सुनिश्चित करना है, इसके लिए अपनी योग्यता को हर तरह से पूरा करना है। अपने शरीर की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे इसको स्वस्थ रखना है। वैसे हम आगे बढ़कर जो समाज के तंत्र हैं उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि कॉलेज अच्छे से चले,
संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक चले, ये जिम्मेदारी मेरी है। हम चाहे जिस भी पद पे बैठे हों, कोई जरूरी नहीं कि हम कॉलेज के डायरेक्टर हों, कि हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हों, कि प्रोफेसर हों, हमें जिम्मेदारी को स्वीकारना शुरू कर देते हैं। तो हम शुरुआत तो भागीदारी से करते हैं और फिर आगे चल कर हम जिम्मेदारी स्वीकारते हैं। जब हम उस जिम्मेदारी को अपने आप में स्वीकारना शुरू करते हैं तो फिर बहुत बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो हम सभी साथी जो इस सुबह के सत्र में जुड़े हैं, है ना, इसकी आवश्यकता तो है ही कि हम अनुभव तक पहुँचे, और अनुभव तक पहुँचने के लिए इसकी आवश्यकता है कि हम आगे बढ़कर समाज के भिन्न भिन्न आयामों में, भिन्न भिन्न तंत्र में जिम्मेदारी स्वीकारना शुरू करें। उस जिम्मेदारी को जब तक हम अपने आप में नहीं स्वीकार पाते हैं, तब तक हम अपने अंदर ज्ञान की भी जिम्मेदारी को नहीं स्वीकार पाते हैं। वही होता है कि किसी क्षण में फंसते हैं तो हम कोई उपाय बना के वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। ज्ञान के लिए जो हमको प्रतिबद्ध होना है वो हो नहीं पाते, तो हम स्वयं में ज्ञान के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो पाते, समाज में व्यवस्था के लिए, प्रकृति व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो पाते। तो भागीदारी से आगे करने का जो काम है ना, जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं, उसको भी हम आंशिक रूप में कहीं कहीं शुरू करते हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, न्याय व्यवस्था में हम शुरू करते हैं। कोई स्वीकार सकता है कि जेल के सारे कैदियों में परिमार्जन करने की जिम्मेदारी मेरी है, कोई सोच सकता है कि इस क्षेत्र के सभी लोगों में संयम का भाव सुनिश्चित करने की मेरी जिम्मेदारी है, कोई सोच सकता है कि शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में, बच्चों के संस्कार में परिमार्जन की जिम्मेदारी मेरी है, हायर एजुकेशन में, है ना, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो आगे बढ़कर भागीदारी से फिर हमको जिम्मेदारी तक जाने की जरूरत है। तो अभी हमने एक लिमिटेड जिम्मेदारी स्वीकारी हुई है ना, अपने शरीर के प्रति या अपने निजी परिवार के प्रति, उसको और फैलाएंगे। ज्ञान के प्रति भी जिम्मेदारी मेरी है, जब निर्णय मेरा है सही समझ से भाव का, वैसे हम आगे बढ़कर परस्परता में भी जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं। तो इस पे अपने को ठीक से काम करना है। वो जिम्मेदारी वाले भाग को हम छोड़ के चलेंगे तो सुनिश्चित होने वाला जो काम है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि हमको लगता है ठीक है अभी नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो नेक्स्ट डे कर लेंगे, है ना, कभी भी हो सकता है। जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तो लगता है अभी इसको तो पूरा करना जरूरी है। तो हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हम आगे बढ़कर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जिम्मेदारियां स्वीकारना शुरू करें। तो गृह कार्य के रूप में यह है कि अपने भाव के प्रति सजग हो जाए, देखें कि इस क्षण जो भाव है वो सहज है या असहज, सुखद है या दुखद, इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है, इसका आधार क्या है। अगर भाव असहज है तो वह समझ पर आधारित नहीं है। तो अपने आप से पूछकर देखें, क्या मैं इस क्षण अपने अंदर संबंध का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ, व्यवस्था का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ, सहस्तित्व का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब आपके अंदर संबंध का, व्यवस्था का और सहस्तित्व का भाव होता है तो आप आराम में होते हैं, आपकी स्थिति सुखद होती है। यदि आप इस क्षण अपने अंदर संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव सुनिश्चित कर सकते हैं तो आप हर क्षण अपने अंदर सुनिश्चित कर सकते हैं, आप हर क्षण आराम में रह सकते हैं। तो मुझे लगता है हम सभी इस पे सहमत तो हो ही पा रहे हैं कि हाँ इसकी आवश्यकता है। एक प्रश्न है, व्हेन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एक्सप्रेशन एंड फीलिंग इज देयर, हाउ टू रिजॉल्व बाय नॉट एक्सप्रेसिंग इट। देखिए, एक्सप्रेशन और फीलिंग में कभी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है आपके ही दो फीलिंग में होता है। एक फीलिंग गुस्से के कारण यह है कि दूसरे के ऊपर बोल के गुस्सा निकाल दिया जाए, दूसरा भय है कि एक बार निकाल तो दिया बट संबंध खराब हो जाएगा, है ना, फिर क्या होगा, फिर और भोगना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन में, यानी हमारे एक्सप्रेशन में, हमारे भाव में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। हमारे भाव में ही एक समय कई प्रकार के भाव बने रहते हैं और हमारे अंदर कई प्रकार के भाव रहते ही है, वो सहज भी हो सकते हैं, असहज भी। जैसे हमें स्वयं में ज्ञान को सुनिश्चित करने का भी भाव है, शरीर के प्रति संयम का भी भाव है, संबंध का भी भाव है, व्यवस्था का भी भाव है, तो कई प्रकार के भाव तो रहते हैं। इसी में कोई भाव ठीक से सुनिश्चित रहता है, कोई भाव बिगड़ता रहता है। तो शरीर के प्रति संयम का भाव तो है बट संबंध का भाव बिगड़ रहा है। तो शरीर के प्रति संयम के भाव के साथ हम सुबह उठे, योगा कर रहे हैं संयम के भाव के साथ, ठीक है, और किसी ने पोछा लगाना शुरू कर दिया, उस समय हमारा योगा डिस्टर्ब हो गया, तो संबंध का भाव बना नहीं था, है ना, तो इसलिए आवेशित हो गए, गुस्सा कर गए कि नहीं। तो ये होता है। तो ऐसा नहीं कि एक्सप्रेशन में और फीलिंग में कॉन्ट्राडिक्शन है। हमारी जो दो फीलिंग्स हैं, एक संयम का भाव है, एक संबंध का भाव है, ठीक, दोनों ठीक से सुनिश्चित नहीं हुई है, दोनों में से कोई एक सुनिश्चित नहीं हुआ है, इसका प्रॉब्लम है। वहां संबंध की जगह कहीं संबंध, कहीं विरोध, किसी के साथ संबंध, किसी के साथ विरोध, कि नहीं, दिन के एक पहर में संयम का भाव, दूसरे पहर में असंयम का भाव। तो सुबह तो हमने खूब
एक्सरसाइज किया, लोग जिम में जाकर घंटा घंटा भर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक, बॉडी को फिट लीन स्लिम बनाने के लिए प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद दिन भर है ना वो क्या फास्ट फूड और है ना ड्रिंक्स इस पे लगे रहते हैं, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो है ना या फिर हार्ड ड्रिंक्स हो उसका प्रयोग करते रहते हैं, तो क्या हुआ एक समय तो लगता है खूब संयम का भाव है, दूसरी तरफ कुछ और लगता है, उसमें भी आप ठीक से देखेंगे तो शरीर को जब तक साधन के रूप में देख नहीं पाते वो संयम का भाव भी रहता नहीं है, बस शरीर को ठीक रखना है, इस रूप में ठीक रखना है कि दिखने में ठीक लगे, वहां भाव रहता है। तो मुद्दा तो भाव में ही कॉन्ट्रडिक्शन का है, सही भाव सुनिश्चित न होने का है, संस्कारों में कॉन्ट्रडिक्शन का है, एक्सप्रेशन में नहीं। बढ़िया, तो हम इसमें अपने आप में काम करते रहे, मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो सभी इसकी आवश्यकता को देख पा रहे हैं, और ये लंबा और गहरा तो काम है ही अपने आप में करने के लिए। जो बात हो रही थी भागीदारी से जिम्मेदारी तक जाने की, अब उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम में से जो भी साथी सुबह के सत्र को अटेंड करते रहे हैं है ना, और इसकी आवश्यकता को ठीक से महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उनको जरूरत है कि आगे बढ़कर जिम्मेदारियां स्वीकारें, तो ये सुनिश्चित करने वाला काम होगा, अन्यथा ये सुनिश्चित करने वाला काम बचा रह जाता है। नमस्ते भैया जी। भैया ये बहुत अच्छी बात चल रही है जिम्मेदारी की, तो मेरे दो प्रश्न है। एक तो पहले जो बात हुई थी कि ऐसा होता है कि हम भाव मतलब ये सात स्टेप के हम कहीं कहीं ना कहीं रहते हैं सर, जैसे आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि ब्लैंक होते हैं आप, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ एक्सट्रीम चीज है जैसे बहुत असहजता का भाव है या विरोध का भाव है, तो फिर सजग होते हैं, फिर अपना भाव देख पाते हैं। वैसे भी कभी जब बहुत संबंध का भाव है, हम किसी के साथ बात कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और सहमति बन रही है, तब संवाद अच्छा हो रहा है, तो भी हम अपने संबंध के भाव में सहज होते हैं, सजग होते हैं। मगर आपने जो स्थिति बताई कि कभी आप खाली बैठे हो और फिर समझ में नहीं आता है कि क्या भाव है मेरे अंदर, या ब्लैंक जैसी स्थिति है, मतलब ये जो अवस्था है, तो ये हमारे मतलब हम देख नहीं रहे हैं या बेहोशी में है, इसी की एक अवस्था है। देखिए उसमें ज्यादा संभावना ये रहता है कि जिस क्षण में आप खाली बैठने जा रहे हैं उस क्षण आप कुछ काम वाम करके थके हुए हैं, है ना, तो शरीर का जो प्रभाव रहता है ज्यादा रहता है, इसलिए जब आप 10 मिनट बैठ चुके होते हैं तो सब अंदर का खुलने लगता है, तो काफी संभावना ये रहती है कि हम जब है ना फ्री हुए थोड़ा काम वाम से करके, उसके लिए बहुत सारा विचार कर रहे थे, ठीक, शरीर भी थक रहा था, जिसे एक निश्चित पोस्चर में बैठा के रखे हुए थे 2 घंटे 3 घंटे से, या श्रम कर रहे थे पसीना निकल रहा था, अब जब बैठे हैं ठीक है ना, तो शरीर से संवेदना आ रही है उस पर काफी ध्यान लगा हुआ है, तो उस क्षण में हमको भाव पता लगता है। बट आप जैसे ही बैठते हैं 10 मिनट 15 मिनट फिर वो पुराने मुद्दे है ना उठने शुरू होते हैं, क्योंकि शरीर से आने वाली संवेदना पे ध्यान देने से दब गए थे। फॉर एग्जाम्पल खूब काम कर रहे थे, सब कुछ था है ना, उसमें व्यस्त थे, शरीर भी थक रहा था, थोड़ा 10-15 मिनट बैठे तो ध्यान आ गया, कोई पत्नी ने कल ये बात कह दी, नहीं कहनी चाहिए थी तो कई बार ये बोलना चाहिए था है ना, मैं इतना ध्यान रखता हूँ, उसने ऐसे रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, अब वो भाव बिगड़ना शुरू हुआ है ना, भाव आना अब पता लगना शुरू हुआ कि देखो अब ये भाव बन रहा है कि नहीं। जी जी भैया जी, तो वो हम अपने साथ रुके रहे तो जब वो शुरू हो जाता है फिर से, फिर देखना होना चाहिए। ठीक है भैया, ये मैं देखता हूँ। और एक प्रश्न था, जैसे जिम्मेदारी की बात आपने कही, तो जैसे हम बोलते हैं हम अपने साथ सहज अवस्था में है, तो हम हमारी जो स्थिति है और हम जो चाहते हैं उसमें एक मतलब वो एक है, एक रूपता है, तो हम मतलब सुसंगति में रहते हैं या हार्मनी में रहते हैं। जैसे ही हम जिम्मेदारी लेते हैं तो एक हमें कि वो एक गैप क्रिएट करते हैं अपने आप कि अभी ये स्थिति नहीं मगर मैं ये लाना चाहता हूँ या मैं खुद को मतलब ये करना चाहता हूँ, तो काफी बार मतलब औरों से नहीं मगर अपने खुद के साथ
ये अंतर बढ़ने में शुरुआत हो सकती है कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ जी, मतलब जी ऐसे ही रहता है। तो इनफैक्ट दो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, पात्रता और योग्यता जी। तो पात्रता जैसे पात्र बर्तन लोग कहते हैं ना, तो किसी बर्तन में कितना पानी भर सकता है उसकी पात्रता है। तो हम योग्यता थोड़ा और है ना बढ़ाने के लिए जितने पात्रता हमारी होती है उससे बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं ताकि बर्तन का साइज बढ़ जाए जी, है ना। तो अपनी इच्छा तीव्र हो जाती है, मतलब इच्छा तीव्र हो जाती है जैसे आपने बोला, वो उसकी आवश्यकता समझ में आने लगती है। तो जितनी हमारी पात्रता होती है उससे बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं ताकि हमारी योग्यता बढ़े। जितनी योग्यता बढ़ती है ना उतनी हमारी उस क्षण की पात्रता बनती है आगे के लिए। तो जिम्मेदारी लेने से हम धीरे धीरे अपनी पात्रता को बढ़ा रहे हैं और योग्यता को बढ़ा रहे हैं जी। और उसमें बहुत ज्यादा गैप हो है तो भी नहीं तो पिटेंगे तो फिर वापस और क्या आते हैं ना अगर बहुत ज्यादा तो जैसे अभी अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हम नहीं स्वीकार पा रहे ठीक से, और हमने 10 लोगों की जिम्मेदारी ले ली है ना, और उनको जाकर हमने कराना शुरू किया कि भाई सुबह उठो योग करो ये करो वो करो, 10 बातें बताने लगे। अगले ने पूछ लिया कि भाई आप कितने दिन सुबह उठते हैं, तो फिर पिटाई शुरू हो जाती है अपनी कि नहीं जी भैया नमस्ते भैया जी नमस्ते। और मुझे खाली एक सूचना के तौर पे ये दिखाने की कोशिश कीजिएगा, जो ये 6 स्टेप्स हैं या जो 7 स्टेप्स हैं हम उसको याद नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारा गुस्सा उस पे हावी हो रहा है, तो इसके लिए एक छोटा एब्रिवेशन या ऐसा फॉर्म जिससे कि हम उसको एकदम याद रख लें और ये जो 6 चीजें हैं या 7 चीजें हैं एकदम याद आ जाए जिससे कि हम अपना गुस्से को कंट्रोल करें, ना कि 1-2-3 करें या कुछ मंत्र पढ़े या कुछ तो भी करे, मतलब करने के लिए तो वही पूछ रहा हूँ आपसे। लेकिन ये जो 6 चीजों को एकदम याद रखने के लिए ऐसे एक छोटा मुहावरा या छोटा वर्ड या एक ऐसा कुछ जिससे कि हमको वो याद आ जाए जिससे कि हम उसको अपने धारणा में ले लें, ऐसा कुछ आप बताने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर बहुत संक्षेप में कहें तो मैं अपने भाव को समझ लिया है ना, फिर उसका मूल्यांकन किया कि मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, फिर हमने देखा कि अगर ये सहज रूप से स्वीकार नहीं तो क्या स्वीकार है, उस पर काम शुरू किया। मूल बात अगर बहुत संक्षेप में कहा जाती इतनी है, उसको ही फैला कर देखने जाते सारे काम कर रहे हैं हम। ये अपने पहले सजगता हुई है ना, फिर परिमार्जन करना है, सजग हुए और यदि वो सहज रूप से स्वीकार नहीं तो उसको परिमार्जन के लिए काम शुरू किया। जैसे इरिटेट हुए गुस्सा हुए तो सजग हुए, भाव को पहचाना है ना, और दिख ही रहा है कि सहज में स्वीकार नहीं है तो उसमें परिमार्जन किया, अगर ये स्वीकार नहीं तो क्या स्वीकार है उसको देखा जी। उसको सुनिश्चित किया इतना ही है। और ये बीच में जो स्टेप्स हैं वो हमारी स्वीकृति में बने रहते हैं कि हाँ निर्णय तो मेरा ही है, अगर भाव सहज से स्वीकार नहीं तो जरूर अंदर कोई गहरी मान्यता कोई गहरा संस्कार काम कर रहा है ठीक। सहज स्वीकृति जैसे ही हम देखने जाते हैं तो संबंध व्यवस्था सहस्तित्व ही सहज से स्वीकार होता है, ये पहचान में आता है, फिर उसमें परिमार्जन के लिए काम करते हैं। तो वैसे देखें तो इतना ही है कि भाव को देखा जाना। भैया मेरा बोलने का मतलब ये था कि आप तो इसको मतलब बहुत सालों से कर रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से बता भी पा रहे हैं, लेकिन हम जब अभी शुरुआत भी की दौर में है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मान्यता हावी हो रहे हैं या हमारा गुस्सा हावी हो रहा है, तो हमें उसको काबू में रखने के लिए पहले तो काबू में रखेंगे तो कुछ कर सकेंगे, लेकिन अगर वही हावी हो रहे हैं जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और वापस उसी दौर में जहां से शुरू हुए वहीं से फिर से शुरू हो रहे हैं, बल्कि हम जो सीखे उसकी उपलब्धि हमें काम में नहीं ला रहे हैं, तो मान लीजिए यही 7 स्टेप है जो मूलतः समरी है, तो इन 4 शब्दों को एक एक स्टेप को एक एक अक्षर के जैसा एक एक उदाहरण के जैसा एक इतने लेवल तो खुद बना लीजिए है ना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो मतलब एक चलता फिरता जैसा कुछ बन जाए और हमारी सजगता कम हो जाए, तो थोड़ा उसे बचना भी है कि बहुत सारे हम दोहे स्मरण कर लेते हैं है ना, और उसके बाद वो दोहे तो याद रहते हैं उसके अर्थ में नहीं जा पाते हैं। ये तो प्रैक्टिस है ना भैया, ये तो प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसका कुछ उपाय बता दो, क्योंकि जाना तो उधर ही है लेकिन जाना कहाँ है वो भी बता दे रहे हैं यहाँ पे और उसी रास्ते पे जा भी रहे हैं। स्वयं में ही बना लीजिए है ना, मैं अपनी तरफ से कुछ प्रस्तावित नहीं करूंगा। मैंने बताया मूल बात कितनी है कि जो मेरी साहित्य कृति है उसमें मुझे स्थापित होना है, बस इतनी बात है मूल रूप से। धन्यवाद जी, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते, आज का सत्र क्लोज कर लेते हैं जी।